Assalamu alaikum everyone. Hope so my fam is doing very well. I'm also very good, alhamdulillah. As you can see my subscriber, I'm very happy and I'm very grateful कि आप लोग मुझे इतना support कर रहे हैं. So I was getting the questions about physics. क्या physics के important chapters भी आप share करें. So yeah, today I'm here to share all important chapters of the physics part 1 and part 2 both, like first year and second year दोनों physics के chapters जो बहुत important हैं. अच्छा एक चीज़ मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था केमिस्ट्री वाले में कि चैप्टर्स तो सारे करने हैं. ठीक, मेरा मकसद क्या है, टू टेल यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर. दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू. आपका टाइम टेबल आपने मैनेज करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी को साथ लेकर फिजिक्स का सारे क्वेश्चन सॉल्व करने. पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो चैप्टर्स मैंने कहा अनइम्पॉर्टेंट है वो आपने नहीं करना है, ऐसा नहीं है. यू हैव टू डू ईच एवरी चैप्टर, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उनको आपने बहुत बार पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और उनकी बुक्स को भी रीड देना है. I know that for physics it's very hard to do the difficult, it's very difficult to read the books. It seems to be like a Chinese, really it's very difficult. Like physics ki sin board ki book itni rough hai, I can tell you. But if you guys want me ke main aapko chapter wise important lines share kar dun books ki, to main share kar dungi. Kyunki maine self study ki thi to mere paas bahut sara time tha, maine bahut book padhi hai. To agar aap chahte hain ke मैं वो सब लाइंस आपसे शेयर कर दूँ ताकि आपकी आसानी हो जाए, आई कैन शेयर. अदरवाइज द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स ऑफ ईच एंड चैप्टर, आई कैन ऑल्सो शेयर द इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, तो वो शेयर कर सकती हूँ. ट्रिक्स मैं बहुत सारी फॉलो की, वो मैं अपने बच्चों को बताती हूँ जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ते हैं. मैं उनको वो सब कुछ गाइड कर रही होती हूँ अबाउट द इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एंड हाउ टू स्टडी एंड लाइक आई जस्ट मोटिवेट देम सो मच कि वो इसकी तरफ आएँ. और जो मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहे थे रियली उन्होंने कोई भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया होता, उनका पूरा डिपेंड मुझ पे करता है और मैं उनको अपने अकॉर्डिंग ही लेकर चलती हूँ. अबाउट शेयरिंग द ट्रिक्स, आई डू हैव सो मैनी ट्रिक्स अबाउट द फिजिक्स, मैंने वैसे शेयर भी किए थे. मैं उनको एक फिजिक्स फार्मूला बुक बनवाती हूँ अलग से. सो दिस इज़ हाउ आई डू फॉर द फिजिक्स. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग फिजिक्स 1 एंड फिजिक्स 2. लेकिन उससे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि एक बात बता दूँ कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डाउ ग्रेड सीरीज़ इंशाल्लाह सून. और ये वीडियो के इंशाल्लाह सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डाउग्रेड सीरीज. जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं डाउग्रेड की सीरीज स्टार्ट कर दूंगी ऑन माय यूट्यूब चैनल. तो स्टे ट्यून फॉर दिस एंड इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट मी फॉर द ट्यूशंस और एनी डिटेल्स यू कैन कांटेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. माय आईडी नेम इज़ नादिया नदीम. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द फिजिक्स 1 फर्स्ट एंड देन वी विल डू द फिजिक्स 2. बट आई वॉन्ट यू गाइज टू डू ईच एंड एवरी चैप्टर, दीज आर जस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपको ज़रूर करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स पार्ट 1, इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताऊंगी और उसके बाद जो है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन से हैं वो बताऊंगी और जो आप लीव कर सकते हैं वो चैप्टर्स भी बताऊंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो आपका मोशन चैप्टर है. ओके, मोशन चैप्टर एंड देन मोशन इन 2D भी आपने अच्छे से करना है. उसके बाद वर्क पावर एनर्जी बहुत अच्छे से करना है. बहुत क्वेश्चन आते हैं वेव एंड मोशन, समझे इसको तो रट लें. वेव एंड मोशन तो बहुत अच्छे से करना है. वर्क पावर एनर्जी वेव मोशन एंड मोशन इन 2D एंड मोशन, ये मोशन वाले सारे चैप्टर्स करने हैं. एंड उसके बाद नेचर्स ऑफ लाइट जो है ना वो आपने मतलब ऊपर से कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. उसके बाद बात कर लेते हैं जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिनको आपने करना है. वैसे स्केलर वेक्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेकिन आजकल PMC नहीं दे रही है, चैप्टर इंक्लूड नहीं कर रही. लाइक पिछले सिलेबस में भी नहीं था, उसके पिछले सिलेबस में भी नहीं था. अगर नहीं है तब भी ये करना है, इन अ सेंस के ऊपर ऊपर से करना है. लाइक आपका जो लास्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर करना है, देन उनसे जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट जो कि ग्रेविटेशन भी चैप्टर वो नहीं दे रहे आजकल और ये भी नहीं दे रहे. दूसरा जो टॉर्क एंड एंगुलर है ये लेस इंपॉर्टेंट है, नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये तो तीन चैप्टर्स हैं, ये आपने करने हैं लेकिन सबसे लास्ट में करने हैं. और सबसे पहले आपने जो चैप्टर 3, 4, 7, 8 कर लिया, देन आपने चैप्टर 9 करना है, देन आपने चैप्टर 10 करना है. एंड इसके अलावा जो है अब जो आपके पास चैप्टर रह गए, मैं कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि चैप्टर कोई लीव करें. यू डोंट हैव टू लीव इवन वन चैप्टर, हर चैप्टर करना है आपने. लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी जब आप कर रहे होते हैं तो सबसे पहले वो टॉपिक करें जो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो आती हैं पेपर में. तो सबसे पहले अगर आप करें चैप्टर 2 करें, चैप्टर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 7 एंड 8 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. स्पेशली 7 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सेंस फॉर द 7 एंड 8, दे बोथ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड वाई दे आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें से बहुत सारे थ्योरी के क्वेश्चन भी आते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आ रही होती हैं. तो वर्क एंड पावर की तो सारी एग्जाम्पल्स करनी है. और जितना मुझे याद है मैंने वर्क एंड पावर का एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ की आई गेस.
और बाकी इंशाल्लाह सारे जो हैं साथ साथ कराऊंगी। अच्छा, ये चैप्टर था फिज़िक्स पार्ट वन का। अब मैं आपसे ये दोबारा कहूँगी, डोंट फॉलो पीएमसी के रूल्स एंड पीएमसी जो आपको कह रही है कि आपने जो है ना, आपको जो पीएमसी कह रही है कि आपने सारे चैप्टर्स नहीं करने और इवन इन्होंने टॉपिक अलॉट्स किए, नो प्लीज़ डोंट गो देम। आपने सब कुछ करना है, ईच एंड एवरी चैप्टर, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है आपको मैंने बता दी कौन सी इंपॉर्टेंट है, वो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में करने हैं और जो लेस इंपॉर्टेंट है वो आपने बाद में करने हैं। ठीक है, मींस इन द एंड करने हैं, लेकिन पढ़ना ज़रूर है हर चैप्टर को। आउट ऑफ क्वेश्चन जो आ रहे होते हैं वो यही नहीं चैप्टर से आ रहे होते हैं, तो अगर आपने रिस्क नहीं लेना तो काइंडली आपने ज़रूर सॉल्व करना है। फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द एमसीक्यू, देखा जाए तो वेटेज थोड़ा कम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके न्यूमेरिकल्स, कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि आपको सॉल्व करने होते हैं। मैंने अपने पास वो सब नोट किया हुआ, कौन से एनटीएस के कौन से ईयर में आए थे, इवन आपकी कॉपी से बिल्कुल छपे हुए एग्जांपल्स आती हैं, तो समझे एग्जांपल्स आप पी जाएँ, सब नहीं कुछ। अब एग्जांपल्स अगर आपको नहीं पता तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी एग्जांपल्स भी, बट अगर आपको पता है तो इट्स गॉड। बाकी मैं अपने स्टूडेंट के साथ तो एग्जाम्पल्स वगैरह शेयर करती हूँ। और दूसरी बात ये कि एग्जाम्पल्स करनी है, वर्ड प्रॉब्लम्स भी कुछ करने हैं फॉर एमसीक्यूज़, इवन दे कम्स इन द एमसीक्यूज़ एज इट इज़ क्वेश्चन डाल के दे देते हैं और आपको कहते हैं अब करें, तो बच्चों को तो पता नहीं होता, तो वो उनको समझ नहीं आता कैसे करें, क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लाइंस की। तो न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत ज़्यादा आते हैं, सो न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल के अंदर एग्जांपल्स आती हैं, वो सब कुछ करना है आपने। नाउ मूव टूवर्ड द फिज़िक्स टू, एंड देन फिज़िक्स टू के इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ओके, सो द फिज़िक्स पार्ट टू, फिज़िक्स पार्ट वन से फिज़िक्स पार्ट टू एज़ कम्पेयर टू मोर डिफ़िकल्ट है और मोर इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंदर जो चैप्टर आपने अच्छे से करने हैं वो चैप्टर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने बहुत अच्छा करना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने करवा दिया है, आपने अच्छे से करना है। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत अच्छे से करना है। देन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स बहुत अच्छे से करना है, इसके टॉपिक्स। और मॉडर्न फिज़िक्स से थ्योरी के बहुत क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा यही बस इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, लेकिन करने सब हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी 12, 13, 14, 16 एंड 17 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपने अच्छे से करना है। उसके बाद जो लीस इंपॉर्टेंट, लाइक इनके बाद जो आपने प्रायोरिटी में रखना है, चैप्टर हीट के अंदर से एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो ये जो एटॉमिक न्यूक्लियस, ये जो सारे चैप्टर्स हैं, बाद जो ये तीन चैप्टर्स हैं, ये आप एक दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये करने ज़रूर हैं। तो दीज आर द चैप्टर्स जो कि लीस इंपॉर्टेंट है लेकिन आपने करना है। इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, स्पेशली फ्रॉम द न्यूक्लियर रेडिएशन, इसमें से एमसीक्यूज थ्योरी का आता है, ज़रूर आता है, तो ये तो ज़रूर करना है आपने। अब जो एक बात करते हैं इलेक्ट्रिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, जो सिलेबस में नहीं है बट स्टिल आपको करना है, मैं आपको प्रेफर करूँगी आपने करना है। गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था जो कि इसी में से नहीं इंक्लूड, जब भी आपने करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको बता दिया, लीस्ट इंपॉर्टेंट भी बता दिया, करना सब है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन पर ज़्यादा फोकस, जो लेस इंपॉर्टेंट है उन पर थोड़ा कम फोकस। बाकी अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं सो डू लेट मी नो अबाउट इट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिज़िक्स। एक चीज़ मैं आपको फिज़िक्स के बारे में बता देती हूँ, फिज़िक्स में मार्क्स गेन करना आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि उसके अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और वो जो है ना, आप आराम से अगर ट्रिक यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। आपको अपना माइंड यूज़ करके, आपको अपने लर्निंग पावर यूज़ नहीं करनी पड़ती है, यू कैन जस्ट गेन द मार्क्स बाई यूजिंग योर मैथ्स एंड बाई यूजिंग द ट्रिक्स, इट्स वेरी इजी। बट उसके लिए आपको ट्रिक्स का पता होना ज़रूरी है, इसके लिए आपको एग्जांपल्स पता होना चाहिए कौन से एग्जांपल्स करनी हैं। तो आपको अपना फोकस थोड़ा ज़्यादा ही रखना है बायो में, लेकिन फिजिक्स को भी साथ के साथ करना है, साइड बाई साइड, एंड दे आर द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। तो फ्रॉम माई साइड आई विल प्रेफर यू गाइज, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन द फिजिक्स एज वेल। बच्चे फिजिक्स को एज टाइम नहीं देते, फिजिक्स का पोर्शन अच्छा नहीं होगा, आपके बहुत सारे मार्क्स खत्म हो सकते हैं। So be very focused on the physics as well. Haven't subscribed my channel, subscribe my channel. This is all about the physics. This is all about the physics part 1 and part 2, most important topics. Baki, if you have any query, you can ask me in the comment section. Otherwise, you can comment me on the Instagram. My Instagram ID is Nadine Nadeem. And this is all about today's video. Allah Hafiz, take care.